क्या हाल है आप सबका गाइस? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज भी मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और यूनिक जो है वो डिज़ाइन लेकर आई हूँ ड्रेस के। तो गाइस बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो गाइस ये जो सूट है ये भी हमने बाय किया था खाटी से। तो गाइस अब इसका नेकलाइन देखें। तो गाइस इसका ये जो नेकलाइन है हमने वी शेप में लंबा वी शेप में हमने इसका नेकलाइन बनाया और फिर इसकी जो है ये सारी पाइपिंग की, ये देखें एंड तक हमने इसकी ये सारी पाइपिंग की। पाइपिंग करने के बाद ये जो है हमने इसके वी जो हमने नेकलाइन बनाया था वी शेप में उसके अंदर जो है हमने हाफ बैल लगा दिया। तो गाइस ये देखें ये पहनने में बहुत अच्छा लगता है और इसकी जो है लुक भी बहुत अच्छी आ रही होती है। तो गाइस अब जो हमने ये लंबी हमने यहाँ तक पाइपिंग की थी कट लगा कर, तो उसके साथ फिर हमने ये जो ग्रीन शेड आ रहा है उसके साथ के हमने इसके अंदर लगा दिए बटन। इस तरह से ये जो है हमारा नेकलाइन वो हो गया हमारा पूरा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने स्लीव्स की जानिब। तो गाइस ये देखें ये हैं इसके स्लीव्स। तो गाइस ये देखें सबसे पहले जो हमने हैं ट्रायंगल शेप में कट तैयार किए, दोनों तरफ कट तैयार करने के बाद इनको एक दूसरे इनको अटैच किया। तो ये देखें इनको अटैच किया और जैसा कि फिर आप जानते हैं कि टिशू का जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो फिर हमने जो है इस ट्राइंगल के जो अंदर है वो हमने लगा दिया ये टिशू का कपड़ा। ये देखें इस तरह से जो है हमारा ये बिल्कुल ही जो है बहुत ही अच्छा स्लीव डिज़ाइन तैयार हो गया। जिस तरह से हमने पहला स्लीव तैयार किया था उसी तरीके से हमने बिल्कुल सेम हमने दूसरा स्लीव भी तैयार किया। पहले हमने ट्राइंगल शेप में कट्स बनाए, इनको लगा अटैच करने किया इनको और फिर जो है इनके दरमियान में टिशू वाला कपड़ा लगा दिया। इस तरह से हमारे दोनों स्लीव्स हो गए रेडी। तो गाइस बढ़ते हैं अब अपने दामन की जानिब। तो गाइस जैसा हमने स्लीव्स तैयार किए थे बिल्कुल वैसे ही हमने जो है ये दामन भी तैयार किया है। पहले ट्राइंगल शेप में कट्स बनाए फिर दोनों को अटैच किया और ये देखिए फिर इनके दरमियान पे हमने ये टिशू का कपड़ा लगा दिया। इस तरह से ये जो है हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक जो है वो डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके साथ का ये जो ट्राउज़र है ये हमने ये है पिंक कलर का बिल्कुल सिंपल, ये हमने ट्राउज़र है वो सिंपल ही रखा है। इस तरह से हमारा एक सूट हो गया है रेडी। तो गाइस ये जो सूट है ये भी हमने खाटी से बाय किया है। तो गाइस इसका नेकलाइन बोर्ड शेप में है। गाइस असल में इसके हमने आपको स्लीव से दिखाने थे, बाकी हमने सिंपल ही जो है वो सिया है। तो ये देखिए गाइस ये है इसके स्लीव्स। ये देखिए गाइस इसको हमने सबसे पहले बनाने के लिए ये लुक्स निकाली, इन लुक्स को निकालने के बाद एक अलग न्यूज़पेपर लेकर उस पर अटैच किया और उस पर अटैच करने के बाद फिर इनको ये जो है स्लीव्स के साथ लगा दिया। इसको लगाने के बाद अब फिर जो है हमने ये सर्कल शेप में कट्स बनाए, कट्स बनाने के बाद फिर इसको इन लुक्स के साथ इनको आगे लगा दिया। इस तरह से जो है ये हमारा ये स्लीव्स भी रेडी हो गया। तो गाइस बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो है ये हमने दूसरा स्लीव भी रेडी किया। तो गाइस अगर आप इसकी स्टिचिंग और कटिंग देखना चाहते हैं तो उसकी पूरी वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, आप जाकर उसकी पूरी वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरीके से रेडी हुए हैं। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और हमें ज़रूर सपोर्ट किया करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।